ओम शांति। आज 17/9/2024 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, ये राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सदगति की है। आबू पर्वत के लिए बाबा कह रहे हैं ना, और आबू है ना पर्वत है ना, यानी है ही ऊंची स्थिति। तो बाबा ऊंचते ऊंच वहां आके है ना हम सबको ऊंचा बनाते हैं। और कैसे ज्ञान देके, और अपनी ऊंची स्थिति हमारी जितनी होगी ना उतना ही हम बता भी सकते हैं। ये फिर प्रश्न है, कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाएगी। उत्तर है, मुख्य बात समझने की बाप ने जो राजयोग सिखाया था वह भी फिर से सिखा रहे हैं, और वह सर्वव्यापी नहीं है। बाप इस समय आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। उसका जड़ यादगार देलवाड़ा मंदिर भी है। आदिदेव यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। ये चैतन्य देलवाड़ा मंदिर है। ये बात समझ ले तो आबू की महिमा हो जाए और यहाँ भीड़ लग जाए। आबू का नाम बाला हो गया तो यहाँ बहुत आएंगे, है ना। तो बाबा कह रहे हैं ना कि अगर दुनिया वालों को भी पता चल जाएगा तो कैसी भीड़ लग जाएगी ना, कि भगवान आया हुआ है, आदि देव बैठा हुआ है ना, और कैसे स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा ये क्यों कह रहे हैं, दुनिया वालों को तो अपने समय पर पता चलेगा। बाबा हमको रियलाइज कर रहे हैं, रियलाइज करा रहे हैं कि अगर दुनिया में भी पता चल जाए तो कितनी भीड़ है ना लग जाए। तो हमको तो पता चल गया, तो हमारे अंदर उतनी अंदर वो उमंग उत्साह या वो लग गई है लगन की हमको बनना है ना स्वर्ग का मालिक जो बाबा बनाने आया है, ये भी हमको देखना है ना। अच्छा, ओम शांति। बच्चों को योग सिखाया, और सब जगह सब आप पे ही सीखते हैं, सिखलाने वाला बाप नहीं होता। बाकी सब जगह तो मनुष्य मनुष्य को सिखाते हैं, एक दो को आप पे ही सिखलाते हैं, यहाँ तो बाप बैठ सिखलाते हैं बच्चों को। तो रात दिन का फर्क है ना, वहां तो बहुत मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं, इतना याद नहीं कर सकते, इसलिए देह अभिमानी बहुत मुश्किल बनते हैं। और यहाँ तो कि सारे संबंध बाबा से ही जोड़ लिए ना, तो जितना वैसे याद करते हैं तो नहीं देही अभिमानी बनते हैं। बाबा ने कहा यहाँ तो देही अभिमानी तुमको बहुत जल्दी बनना चाहिए, परंतु बहुत बहुत है जिनको कुछ भी पता नहीं है। शिव बाबा हमारी सर्विस कर रहे हैं, बाबा आके हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ये हमको जितना रियलाइज होगा उतना हम भी उतना ही पुरुषार्थ करेंगे। हमको कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, जो बाप इसमें विराजमान है। ये भी योग की पॉइंट है ना, बाबा कैसे ब्रह्मा तन में विराजमान है, यहाँ विराजमान है, उनको याद करना पड़ता है। और आत्मा भी जैसे शरीर में विराजमान है। बहुत बच्चे हैं जिनको ये निश्चय ही नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमको सिखा रहे। बच्चों के लिए कह रहे हैं कि बच्चों को भी निश्चय नहीं, भले हम कहते हैं ना, पर निश्चय यानी हम उतना उस लगन में लग जाए। फिर बाबा जैसे और लोग कहते हैं हमको कैसे, हम कैसे निश्चय करें, ऐसे यहाँ भी है। अगर पूरा निश्चय होता ना, निश्चय की निशानी बाबा बता रहे हैं, अगर पूरा निश्चय होता तो बहुत प्यार से बाप को याद करते करते अपने में बल भरते, बहुत सर्विस करते, क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना है ना। ये कि हमारे द्वारा पूरी दुनिया है ना पूरे विश्व को पावन बनाना है हमको, ये निश्चय है। तो हर बात बाबा की हर बात पे निश्चय ना, सिर्फ हम कह देते हैं हाँ बाबा आया, हमको निश्चय हम याद कर लेते, बट ये भी तो निश्चय बाबा पे निश्चय है ना कि पूरे विश्व को पावन बनाना है, तो उतना बल अपने अंदर भरना है, उतनी सर्विस करनी है। बाबा ने कहा योग में भी कमी है और ज्ञान में भी कमी है, क्लैरिटी भी नहीं है। और जैसे कल की क्लास में था ना कि एक तो मतलब ज्ञान की क्लैरिटी भी चाहिए, और फिर ज्ञान को धारण करने के लिए योग की शक्ति भी चाहिए ना, तो दोनों में ही कमी है। बाबा कह रहे हैं सुनते तो हैं परंतु धारणा नहीं होती है, और अगर धारणा ही नहीं है तो फिर निश्चय में जरूर कमी है। बाबा ने कहा धारणा अगर हो तो फिर औरों को भी धारण करावे। बाबा ने समझाया था वो लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं, परंतु विश्व में शांति कब थी, किस प्रकार हुई थी, वह कुछ भी नहीं जानते।
जब पता चलेगा कि कैसी शांति थी तभी तो वैसा पुरुषार्थ करेंगे ना। अभी तो ऐसा लगता है कि थोड़ा है ना, इतना तो होगा ही, यही चलता है ना। और मैंने कहा किस प्रकार की शांति थी, वही चाहिए ना। ये तो तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में सुख शांति की स्थापना अब हो रही है। बाप आया हुआ है, कैसे ये दिलवाड़ा मंदिर है, आदि देव भी है और ऊपर में विश्व में शांति का नजारा भी है, स्वर्ग का। कहाँ भी कॉन्फ्रेंस आदि में तुमको बुलाते हैं तो तुम पूछो विश्व में शांति किस प्रकार की चाहिए, क्योंकि दुनिया में तो क्या होता है, बाहर सब ठीक करने का ही प्रयास रहता है ना। तो वो उस प्रकार की शांति तो आ नहीं सकती ना जब तक अंदर शांति ना आए। बाबा ने कहा इन लक्ष्मी नारायण में राज्य इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी जब, क्योंकि उनके अंदर सुख शांति थी तो बाहर भी ना शांति थी। बाबा ने कहा वह तो दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है, विश्व में शांति का सैंपल तो चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी समझते नहीं है, पत्थर बुद्धि है, क्योंकि ऐसे गाते तो है ना कि लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में थे पर वहां कैसी शांति थी वो भी नहीं पता। तो उन्हों को बताना चाहिए कि हम बता सकते हैं विश्व में शांति का सैंपल एक तो ये लक्ष्मी नारायण है, और फिर इन्हों की राजधानी भी देखना चाहते हो तो वह देलवाड़ा मंदिर में चलकर देखो, मॉडल ही दिखाया जाएगा ना। वह चलकर आगों में देखो है ना। एक तो बाबा ने कहा वो जो देलवाड़ा मंदिर बना है ना, पर आगे बाबा कहते हैं ना कि मंदिर बनाने वाला खुद नहीं जानते, जिन्होंने ही बैठ के ये यादगार बनाया, जिसका दिलवाड़ा मंदिर नाम रख दिया, आदि देव को भी बिठाया है, ऊपर में स्वर्ग भी दिखाया है। जैसे वह जड़ है वैसे तुम हो चैतन्य। तो वो जड़ को के द्वारा तो समझा सकते हैं ना, बट एक्चुअल समझ कैसे होगी जब बाबा ना जब हमारे अंदर वो चैतन्य में वो देखेंगे ना कि कैसे हमारे अंदर शांति और कैसे हम अपने दिव्य गुणों से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा इनको चैतन्य दिलवाड़ा नाम रख सकते हैं, परंतु पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए, मनुष्य ही मूंझ जाए, ये फिर क्या है, समझाने में बड़ी मेहनत लगती है और धारणा करके समझ अपने आप समझ जाते हैं। तो बाबा ने कहा बहुत बच्चे भी नहीं समझते, पर दर पर है, पास में बैठे हैं, समझते कुछ नहीं है। बाबा हमारे लिए कह रहे हैं कि बल दर पर है, पास में बैठे हैं, फिर भी समझते कुछ नहीं है ना। हम जितनी धारणा कर रहे हो, जितना ना पुरुषार्थ कर रहे हो, उतनी ही समझ है। भले हम कहते हैं कि हाँ हमको पूरा निश्चय, तो जितनी हम प्रयास कर रहे हैं ना उतनी ही समझ है। अगर पूरी निश्चय हो जाए तो फिर पुरुषार्थ भी हमारा वैसा ही हो। बाबा ने कहा प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के मनुष्य जाते हैं, ढेर मत पंथ है, वैष्णव धर्म वाले भी हैं, वैष्णव धर्म का अर्थ ही भी नहीं समझते हैं, श्री कृष्ण की बादशाही कहाँ है जानते ही नहीं है, श्री कृष्ण की राजाई को भी स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। बाबा ने कहा था जहाँ बुलावा हो वहां जाकर तुम समझाओ विश्व में शांति कब थी। ये आपू सबसे ऊंचते ऊंच तीर्थ है, क्योंकि यहाँ बाप विश्व में सदगति कर रहे हैं। आबू पहाड़ी पर उनको सैंपल देखना है तो चलकर देवा दिलवाड़ा मंदिर देखो, विश्व में शांति कैसे स्थापना की थी उनका सैंपल है। सुनकर बहुत खुश होंगे, जैनी लोग भी खुश होंगे, तुम कहेंगे ये प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, आदि देव है। तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं है, कहते हैं ब्रह्मा कुमारी पता नहीं क्या कहती है। अब तो तुम बच्चों को आपू की बहुत ऊंच महिमा करके समझाना है। आपू है बड़े ते बड़ा तीर्थ, बॉम्बे में भी समझा सकते हो। आबू पहाड़ बड़े ते बड़ा तीर्थ है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने आबू में आकर स्वर्ग की स्थापना की है। कैसे स्वर्ग की रचना रची है, वह स्वर्ग का और आदिदेव का मॉडल सब आबू में है, जिसको कोई भी मनुष्य समझते नहीं। और आबू में क्या है, वो तो देलवाड़ा तो स्थूल मॉडल है ही, और चैतन्य में भी तो है ना मधुबन मॉडल है ना, और चैतन्य में हम भी मॉडल हैं। बाबा ने कहा आदिदेव का मॉडल सब आबू में, जिसको कोई भी मनुष्य समझते नहीं है। हम अब जानते हैं, तुम नहीं जानते हो इसलिए हम तुमको समझाते हैं। पहले तो तुम पूछो कि विश्व में शांति किस प्रकार चाहते हो। अभी देखा है विश्व में शांति तो
इनके यानी लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। जब हम पूछते हैं ऐसे कि विश्व में शांति कब थी ना, तब हम बता सकते हैं कि जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब थी, क्योंकि अभी तो अगर हम हिस्ट्री वैसे देखें तो हमेशा लड़ाई झगड़ा ही दिखा है ना। तो शांति, अब पर हमारे अंदर इच्छा तो है विश्व में शांति हो, तो कब थी ना, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। और कैसे थी, क्योंकि उनके अंदर पवित्रता थी, तो वैसे हमारे अंदर भी पवित्रता आएगी तब शांति आएगी। सामने का एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इनकी डायनेस्टी का राज्य था, और उनमें डायनेस्टी थी ना, सबके अंदर सुख शांति थी। बाबा ने कहा चलो तो इनकी राजधानी का मॉडल आबू में तुमको दिखाएं। ये तो है ही पुरानी पतित दुनिया है ना, और इस दुनिया में शांति पुरानी पतित संस्कारों से चलेंगे तो शांति हो भी नहीं सकती। नई दुनिया तो नहीं कहेंगे ना, नई दुनिया का मॉडल तो यहाँ है, नई दुनिया अब स्थापन हो रही है। तुम जानते हो, सब तब बतलाते हो, सभी नहीं जानते, ना बतलाते हैं ना समझ में आता है। बात तो है बहुत सहज, ऊपर में स्वर्ग की राजधानी खड़ी है, नीचे आदि देव बैठे हैं, जिसको एडम भी कहते हैं, वह ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ऐसी तो महिमा सुनाएंगे तो सुनकर खुश होंगे ना, क्योंकि ये हर बातों में ना आदि देव हर धर्म में है, एडम ईव। तो अगर इस तरीके से हम बताएंगे तो रियलाइज भी होगा। तो आपने कहा है भी बहुत, है भी बराबर एक्यूरेट। कहो तुम श्री कृष्ण की महिमा करते हो, पर तुम जानते तो कुछ भी नहीं हो। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का महाराजा, विश्व का मालिक था। उसको तुम मॉडल देखना चाहते तो चलो आबू में तुमको वैकुंठ का मॉडल दिखाएंगे। वैसे पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखते हैं, जिससे फिर विश्व का मालिक बने हैं, वह भी मॉडल दिखावे। संगम युग की तपस्या भी दिखाए, प्रैक्टिकल जो हुआ था उनका यादगार दिखाए। शिव बाबा जिसने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया, उनका भी चित्र है, अम्बा का भी मंदिर है ना। तो हर कुछ जैसे ना आबू में सब कुछ है, और कैसे सब कुछ ज्ञान से रिलेटेड है। अम्बा का कोई 10 पीस बुझाई नहीं है, बुझाए तो दो ही होती है। तुम आओ तो तुमको दिखाए, वैकुंठ भी आबू में दिखाए। आपू में ही बाप ने आकर सारे विश्व को हेवन बनाया है ना। जरूर हेवन था ना, अगर विश्व में शांति थी और आज हम चाहते हैं है ना, तो वो कैसे होगी, वो बाप द्वारा ही होगी ना, सदगति दी है। आबू सबसे बड़ा तीर्थ है, सब धर्म वालों की सदगति करने वाला एक ही बाप है, उनका यादगार चलो तो आपको आबू में दिखाए। आबू की तुम बहुत महिमा कर सकते हो ना, ये तो स्थूल में भी है, और ये सारी चीजें देखो, ये एक धारणा है हमारे अंदर भी तो है ना। हमको ही अम्बा भी बनना है, हमारे अंदर ही स्वर का मॉडल हमारी हर चलन से दिखे है। तो आबू पर्वत जैसी ऊंची स्थिति भी हमारी है, तो ये हर एक चीज प्रैक्टिकल में हमको ही आबू बनना है। तो बाबा ने कहा आबू की तो तुम बहुत महिमा कर सकते हो, तुमको सब यादगार दिखाए। क्रिश्चियन लोग भी जानना चाहते हैं, प्राचीन भारत का राज्य किसने दिखाया, क्या चीज थी। ये तो सबको रहता है ना, भारत का प्राचीन युग। बाबा ने कहा बोलो चलो आबू में दिखाएं। वैकुंठ भी पूरा एक्यूरेट बनाया है, ऊपर छत में दिलवाड़ा मंदिर में, तुम ऐसे नहीं बना सकते हो, तो ये अच्छी रीति बताना है। टूरिस्ट धक्का खाते हैं, मैं भी आकर समझेंगे, जो सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं ना उनके लिए बाबा कह रहे हैं कि वो किस लिए घूम रहे हैं ना। एक्चुअली तो देखो हर कोई सुख ढूंढ रहा है ना, तो इसलिए बाबा ने कहा कि टूरिस्ट धक्का खाते हैं, उनको लग रहा है कि वो बहुत खुशी एंजॉय करने आए, बट एक्चुअली क्या है, ढूंढ ही रहे हैं ना, तो धक्का खाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आकर उनको भी समझाओ ना, ऐसा होता भी है ओम शांति भवन में। तो बाबा ने कहा तुम्हारा आबू का नाम बाला हो गया तो बहुत आएंगे, आबू बहुत मशहूर हो जाएगा। जब कोई पूछते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, सम्मेलन आदि में निमंत्रण देते हैं, तो पूछना चाहिए विश्व में शांति कब थी ना। बाबा ने बार बार कहा, सबको कैसे समझाना है कि विश्व में शांति कब थी, क्योंकि चाहते तो सब है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं ना, पर वो पता ही नहीं है कि कैसे हो, कैसे थी। ये पता होगा तभी तो कैसे उसको लाना है दोबारा, वो समझ आएगा। बाबा कहते हैं वह जानते हो विश्व में शांति कैसी थी, चलो हम समझाएं, मॉडल्स आदि सब दिखाएं। ऐसा मॉडल और कहाँ भी नहीं है, आपको ही सबसे बड़ा ऊंच तीर्थ है, जिसमें बाप ने आकर के विश्व में शांति
सर्फ की सदगति की है ना, और वहीं सारे यादगार भी वैसे ही बने हुए हैं ना, इससे भी हम सिद्ध कर सकते हैं या समझा सकते हैं। बाप ने कहा, ये बातें और कोई नहीं जानते, तुम्हारे में भी नंबरवार है। भले बड़े महारथी म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु ठीक रीति किसी को समझाते हैं वह नहीं, ये बाबा तो रीड करते हैं ना, और ठीक रीति रीति वही समझा सकेगा जो स्वयं वैसा धारणा करेगा। आपने कहा, बाबा सब कुछ समझते हैं, जो भी जहां भी है उनको समझते हैं बाबा को, है ना। आज बाबा कह रहे हैं ना, बाबा तो सब हमारे पुरुषार्थ को क्या है हमारे अंदर, वो तो बाबा समझते हैं कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे इस समय, अगर मर पड़े तो कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे ना। जो जैसे मम्मा का था ना, हर घड़ी अंतिम घड़ी, है ना, ऐसा पुरुषार्थ हो हमारा, याद की यात्रा की मेहनत वह समझ ही नहीं सकते। याद की यात्रा की मेहनत वह समझ नहीं सकते कि इसमें इस मेहनत में कितनी प्राप्ति है और कितना आवश्यक है ये करना। बाप रोज रोज नई बातें समझाते हैं, ऐसा ऐसा समझा कर ले आओ, यहाँ तो राज यादगार कायम है। बाप कहते हैं, मैं भी यहाँ हूँ, आदिदेव भी यहाँ है और वैकुंठ भी यहाँ है अभी, है ना। और अभी जितनी वैकुंठ की स्थापना हमारे अंदर है, उतना ही, है ना, ये यकीन सबको होगा कि कैसे लक्ष्मी नारायण का यह राज्य आएगा। आबू की बहुत भारी महिमा हो जाएगी, आबू पता नहीं क्या आबू पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे देखो, कुरुक्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए करोड़ों रुपए उड़ाते रहते हैं, इतने ढेर मनुष्य जाकर वहां इकट्ठे होते हैं, इतनी बदबू गंदगी होती है, बात मत पूछो, है ना, जब मेला लगता है तो इतनी भीड़ होती है। समाचार आया था भजन मंडली की एक बस नदी में डूब गई, तो ये सब तो दुख है ना। लोग भक्ति के लिए जा रहे हैं उधर, और फिर अगर ना वो बस ही डूब गई, सब मर गई, तो ये सब क्या है। बाबा ने कहा ना, अकाले मृत्यु होती रहती है, सारे दुख के सीन है, वहां तो ऐसा कुछ नहीं होता ही नहीं है, ये सब बातें तुम समझा सकते हो। बातचीत करने वाला बड़ा सेंसिबल चाहिए ना, इस समय है ना, ज्ञान भी बता सकते हैं ना कि क्यों यहाँ इतना दुख हो रहा है, कैसे हमारे कर्मों का फल है ना। जैसे हम अपने अंदर परिवर्तन करते हैं, तो बाहर भी ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो बाप ने कहा, बातचीत करने वाला पर बड़ा सेंसिबल चाहिए। बाप ज्ञान का पॉम्प कर रहे हैं ना, बुद्धि में बिठा रहे हैं, ऐसे तो बाबा कहते हैं ना, जैसे माया का पॉम्प है, वो उल्टी बातें बुद्धि में बिठाती है, उल्टे अनुभव, अगर हम उस तरफ चलते हैं तो। और इतना ज्ञान पर चलेंगे तो वो बातें का अनुभव बुद्धि में बैठेगा। दुनिया थोड़ी इन बातों को समझती है, वह समझते हैं नई दुनिया का सैर करने जाते हैं। आप कहते हैं, ये नई दुनिया पुरानी गई की गई, दुनिया तो समझते हैं ना, हम नई दुनिया बाहर घूमने जा रहे हैं। बाबा ने कहा, ये तो पुरानी दुनिया और वो भी गई की गई, वह तो कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े, इसीलिए समझ नहीं सकते ना। अगर लगता है कि बहुत समय पड़ा है तो फिर, और वैसे ही हमको भी अगर लगता है ना विनाश में बहुत समय पड़ा है, तो हम भी फिर वैसे अलबेले हो जाते हैं। तो आने का, तुम तो बतलाते हो ना कि सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है, पुरानी दुनिया का मौत तो सामने खड़ा है। जितना ये हमारे अंदर भी रहेगा तो पुरुषार्थ भी वैसा करेंगे। तो उस दिन था ना कि विनाश का जितना वो रहेगा तो पुरुषार्थ में भी तीव्रता आएगी। इसको कहा, माँ ने कहा, इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, कि अभी बहुत समय है, ये घोर अंधियारा है ना, क्योंकि अगर हम मारे तो हम तो कभी भी छोड़ सकते ना शरीर। बाबा ने कहा, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण आधा कल्प सोता था, आधा कल्प जागता था। तुम कुंभकर्ण थे ना, वैसे हम भी क्या करते हैं, कभी कोई परिस्थिति आई तो तीव्र पुरुषार्थ करते थे ना, फिर वैसे ही बाद में अल्पकाल के सुख में फंस जाते हैं। बाबा ने कहा, तुम भी कुंभकर्ण थे, ये खेल बड़ा वंडरफुल है। इन बातों को सब थोड़ी समझ सकते ना, कैसे अंदर भी तो हमारे अंदर माया का खेल चलता रहता है, माया सुलाती है, ज्ञान से हम उठते हैं। बाबा ने कहा, इन बातों को सब थोड़ी समझ सकते हैं, कई तो ऐसे ही भावना में आ जाते हैं, सुनते हैं ये सब जा रहे हैं तो चल पड़ते हैं। उनको बताते हैं, हम शिव बाबा पास जाते हैं, शिव बाबा स्वर की स्थापना कर रहे हैं, उस बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है बस। तो वह भी कह देते हैं, शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं, आपसे वर्षा जरूर लेंगे, बस बेड़ा पार है, भावना का भाड़ा देखो कितना मिलता है। कई तो बाबा कह रहे हैं ना, जैसे भावना वश चल रहे हैं कि हाँ भगवान है, हम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से बाबा कहते हैं भावना का भाड़ा भी मिल जाता है।
भक्ति मार्ग में आधा कल्प सॉरी भक्ति मार्ग में अल्प काल का सुख है, या तुम बच्चे जानते हो, है ना। तो अभी भी अगर हम ज्ञान मार्ग में भी भक्ति मार्ग ही कर रहे हैं, है ना, कि थोड़ा योग किया और उससे अपनी थोड़ी थोड़ी चीजें ठीक कर ली, तो बाबा ने कहा ये अल्प काल का ही सुख है भक्ति मार्ग का, ना? और फिर वो हमारे शक्ति को भी खत्म कर देगा और बाद में तो वही अल्प काल का सुख फिर सदा काल का दुख बन जाता है। तो बाबा ने कहा यहाँ तुम बच्चे जानते हो वेद का बाप से बेहद का वर्षा मिलता है ना, बात तो है भावना का अल्प काल का सुख का भाड़ा, यहाँ तुमको मिला है 21 जन्मों के लिए भावना का भाड़ा ना, पूरा ज्ञान, अगर ज्ञान और भावना है ना तो पूरे कल्प का ही हम अपना भाग्य बनाते हैं, अल्प काल का नहीं। बाकी साक्षात्कार आदि में कुछ नहीं है, कोई कहते हैं साक्षात्कार हो तो बाबा समझ जाते हैं कि कुछ भी समझा नहीं है, साक्षात्कार करने है तो जाकर नौदा भक्ति करो। और साक्षात्कार सिर्फ वो सब नहीं कि साक्षात्कार हो गया ना, अगर हम अल्प काल का कुछ इच्छा भी पूरी करना चाहते हैं ना कि बाबा ये कर दे तो हमको निश्चय हो जाएगा ना, तो ये भी क्या प्रूफ मांग रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा उसे कुछ मिलता नहीं है, करके दूसरे जन्म में कुछ अच्छा बन पड़ेंगे अगर भक्ति करते नौदा जैसे, तो बाबा ने कहा अच्छा भक्त होगा तो अच्छा जन्म मिलेगा। ये तो यहाँ तो बात ही आ रही है ना, ये पुरानी दुनिया बदल रही है, पुराने संस्कारों को बदलना है, यहाँ बाप है ही नहीं दुनिया, बाप है ही दुनिया बदलने वाला, यादगार खड़ा है ना, बहुत पुराना मंदिर है, कुछ टूटता करता है तो फिर मरम्मत कराते रहते, परंतु वह शोभा तो कम हो जाती है, ये तो सब विनाशी चीजें हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे एक एक तो अपने कल्याण के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, है ना, और ये पुराना जो शरीर है मंदिर है इसकी तो मरम्मत होती रहेगी, है ना, और जितना आत्मा पवित्र होगी तो उसको नया शरीर मिल जाए। पढ़ाई की बात है, बाकी ये जो मथुरा में मधुबन है ना, बाबा क्या कह रहे हैं, पढ़ाई की बात है उससे परिवर्तन होगा, बाकी ये जो मथुरा में मधुबन कुंज गली आदि बैठ बनाया है वह कुछ भी नहीं है ना, कोई गोप गोपियों का खेल है ना, ये तो अभी हम जो ज्ञान के नशे से नाचते हैं उसका यादगार है। ये समझाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक एक पॉइंट अच्छी रीति बैठ समझाओ, कॉन्फ्रेंस आदि भी चाहिए में चाहिए योग वाला, है ना, जिसके अंदर योग का बल होगा, ज्ञान की धारणा होगी, योग का बल यानी धारणा, तो वही समझा सकते हैं। तलवार में जौहर नहीं होगा तो किसी को तीर लगेगा नहीं, तब बाप भी कहते हैं अभी देरी है, अभी मान ले, देरी क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर परिवर्तन में देरी हो रही है, अभी मान ले कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो भीड़ लग जाए, परंतु अभी टाइम है, एक बात मुख्य समझ जाए कि राजयोग बाप ने सिखाया था तो इस समय सिखला रहे हैं, इसके बदले नाम उसका डाल दिया जो जो कि अभी सांवरा है, इतनी बड़ी भूल है, इससे ही तुम्हारा बेड़ा डूब गया, जो खुद ही गिर गया उसको याद करने से ऊंचे कैसे उठ सकते हैं। तो बाबा ने कहा बाप समझाते ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, स्वयं बाप मनुष्य को देवता बनाने के लिए पढ़ाने आते हैं, इसमें पवित्रता भी पवित्र भी जरूर बनना है, देवी गुण भी धारण करने हैं, नंबर बार तो होते हैं ना, जो भी सेंटर्स हैं सब नंबर बार है, ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है, मासी का घर थोड़ी है ना, पुरुषार्थ से बनेंगे, बोलो स्वर्ग कहा जाता है सत्य को, परंतु वहां का राज्य कैसे चलता है, देवताओं का झुंड देखने हो तो चलो आप, हम सब है ना देवताओं का होवनहार, देवताओं का झुंड, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ऐसा छत में राजाई दिखाई हो, फल अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु वह और बात है, यहाँ तो आदि देव भी है ना, जैसे देवराला मंदिर में तो पूरा दिखाया है नीचे तपस्या और फिर उसका रिजल्ट है ऊपर स्वर्ग, सत्यु किसने और कैसे स्थापन किया ये तो एक्यूरेट यादगार है। अभी हम चैतन्य दिलवारा नाम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि अभी हम वैसे बने नहीं है, जब मनुष्य खुद समझ जाएंगे तो आप ही कहेंगे तुम लिखो, अभी नहीं, अभी तो देखो थोड़ी बात में क्या कर देते हैं, क्रोधी बहुत होते हैं ना, देह अभिमान है, तो देह अभिमानी तो कोई देह अभिमानी तो कोई हो ना सके सिवाय तुम बच्चों के, तो बाहर तो वो वैसा रिएक्शन आएगा ही, हम देह अभिमानी है तो हम ना हमारे अंदर वो देवी गुण दिखने चाहिए, पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा, पुरुषार्थ ऐसे नहीं, पुरुषार्थी ऐसे नहीं कहेंगे, या तो पुरुषार्थ करते रहते हैं फिर जब फेल होते हैं तब कहते हैं दूर में जो था, है ना, अपनी तरफ से तो 100% देना है ना, फिर जो भी रिजल्ट में हो उसकी चिंता नहीं करनी, जैसे बाबा कहते हैं कर्म में अपनी स्थिति का ध्यान देना ना कि फल का,
अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा है देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे कभी नहीं सोचना कि जो नसीब में होगा, सेंसिबल बनना है क्योंकि जो कर्म करेंगे वही नसीब में होता है। फिर ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है, याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है, सबको आबू महान तीर्थ की महिमा सुनानी है। वरदान एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी सच्चे सेवाधारी बाबा। आप बच्चे मुख से मैं मन से बार बार बाबा शब्द कहती हूँ। बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है, अगर दिल से सोच रहे हैं। और मुख से बार बार कहना कि बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ये कहा, ये सेवा है अपनी तरफ नहीं, है ना, बाबा से जोड़ना। लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाला है तो कोई नॉलेज के दिमाग से। जो दिल से कहते हैं उन्हें दिल से सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति खुशी और शक्ति मिलती, और दिल से वही कहेगा ना जिसको अनुभव है। दिमाग वाले को बोलने समय खुशी होती है पर वो सदा काल की नहीं है। स्लोगन है परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज के मुरली में, बाबा ने पूरे मुरली में आबू की महिमा करने के लिए कहा। अब हम बच्चों के अंदर आबू की महिमा होगी तब तो दूसरों को बताएंगे आबू क्या है। अंदर में आबू आबू का अनुभव, जो आबू नहीं गए हैं उनको जरूर जाना चाहिए, अनुभव करना चाहिए कैसे वहां सदगति हो जाती है आत्मा की। आज बाबा ने कहा है विश्व में, आज ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है समझने की, कि पूरे विश्व में शांति किस प्रकार से हो जाती है। बाबा ने कहा कि वह तो कुछ भी नहीं जानते किस प्रकार की शांति थी पहले और वही अब चाहिए भी। तो कैसी शांति थी वो बाबा उस समय की याद दिलाते हैं, और बाबा ने आज दिलवाड़ा मंदिर की जो बात कही वो उस समय की शांति की याद दिला रहे हैं जो सत्ययुग की शांति थी। वो शांति किसने अनुभव की? सिर्फ और सिर्फ सत्ययुगी बच्चों ने, और किसी को भी पता नहीं है इस प्रकार की शांति का जो कि सत्ययुग में थी। ये शांति परम धाम वाली शांति तो है ही नहीं, ये शांति तो जीवन में रहते हुए जो शांति का अनुभव करे तो वो तो बाबा इस समय सिखाते हैं कि इस जीवन में रहते हुए शांति का अनुभव जो जो आत्माएं कर लेती हैं, इस शरीर में रहते हुए, इस पूरे हलचल की दुनिया में रहते हुए इस शांति का जो अनुभव कर लेती है, यही शांति यही सत्ययुगी आत्माएं बनती है जो फिर सत्ययुग में शांति का अनुभव करती है इस जीवन में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए। ये परम धाम की शांति से बिल्कुल अलग शांति है। और बाबा ने फिर कहा कि किस प्रकार की शांति है और आप वही चाहिए बच्चों, और यही बच्चे डिमांड करते हैं उस प्रकार की शांति की। जिन बच्चों ने ऐसी वाली शांति को देखा है, चखा है, और बाबा ने हर जगह आज कहा है यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। और विश्व में सुख शांति की स्थापना अभी हो रही है यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। कितनी वंडरफुल बात है, क्योंकि जिन बच्चों के अंदर के विश्व में सुख और शांति की स्थापना हो रही है वही तो जानेंगे। तो अभी तो हमको अपने आप को देखना है ना, हमारे अंदर कैसे इस विश्व में, हमारे अंदर के विश्व में सुख शांति की स्थापना हो रही है। मुझे दादी की बहुत सारी बातें याद आती है, कल हम कुमारियों के ग्रुप में इसकी चर्चा भी कर रहे थे, तो थोड़ा सा एक बार दादी से समझते हैं जिस प्रकार की शांति की बात आज बाबा ने की।
दादी कहती है, मैं यह समझाना चाहती हूँ कि शांति आती कहाँ से है, इस पर कैसे काबू किया जाए और कैसे विकास किया जाए, क्योंकि जब अशांति आती है तो अशांति पर काबू भी करना होता है, और ये अशांति आती है जब इस अशांति की दुनिया में, इस वातावरण में हम रह रहे हैं, तो बहुत सारे अशांति की बातें हैं आने के लिए दिन भर। लेकिन दादी का कहना है कि जो आत्माएं उस अशांति को काबू करने की विधि जानती है, ताकत रखती है, उनके अंदर शांति का विकास होता है। लेकिन अशांति के समय पर ताकत रखती है, तब अशांति का विकास होता है अंदर। तो दादी कहती कैसे विकास किया जाए, तो कहा कि शांति एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे अंदर से ही पैदा होती है। खूबसूरत लाइन है, नोट करें, शांति एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे अंदर से ही पैदा होती है, और हम ना रोज अनुभव कर रहे कि हमारे अंदर से शांति पैदा हो रही है, डीप कोर से शांति पैदा हो रही है ना। फिर दादी कहती है, यहां तक कि जब मैं शांति से बोलती हूँ और आप शांति से सुनते हैं, तब भी यह ऊर्जा बढ़ रही है, और दोनों तरफ बढ़ रही है, जो बोल रहा है शांति से और जो सुन रहा है शांति से, उन दोनों के अंदर शांति की ऊर्जा बढ़ रही है। इसीलिए जब भगवान की मुरली चलती है और भगवान बोल रहा है और बच्चे सुन रहे हैं, तो भगवान तो शांति में बोलता है, लेकिन बच्चे भी जब शांति में सुनते हैं तो ऊर्जा बढ़ती जाती है आत्मा के अंदर की। तो दादी कहती है, अब एक बहुत सुंदर लाइन दादी ने बोली, इसको समझते हैं, ये हम जल्दी से समझ नहीं पाते हैं यही बात को। दादी कहती है, मेरा अनुभव यह बताता है कि जब मैं दुख, भय और चिंता की भावनाओं से मुक्त रहती हूँ, मेरे अंदर ऐसे गुण हैं जो उभर कर ऊपर आ जाते हैं, और जो मेरे जीवन में व्यवहारिक रूप से मैं उपयोग कर पाती हूँ, जिससे मुझे शक्ति मिलती है। बहुत सुंदर बात है। अभी हम बाबा का महावाक्य भी इसके ऊपर पढ़ेंगे, जो ये पढ़ने के बाद एक चिंतन भी चला था, तुरंत बाबा ने महावाक्य भी दिखाया था। आप सोचो क्या बोल रही है दादी, और अनुभव से बताती हैं कि जब दुख, भय और चिंता ये भावनाएं अंदर नहीं उठती हैं, तो अंदर एक गुण डेवलप होता है, डेवलप दादी के अंदर डेवलप होता है, उभर कर ऊपर आता है, क्योंकि भय नहीं है, दुख नहीं है, चिंता की भावनाएं नहीं है, तो वो जो गुण उभर कर ऊपर आता है, उसको दादी जीवन में व्यवहारिक रूप से उपयोग करती है, और यही शांति की शक्ति बनती है, और यही शक्ति मिलती है इसी से। शक्ति तब मिलती है जब वो व्यवहारिक रूप से हम उपयोग करते हैं, तब वो बनती है शक्ति, इसे कहते हैं शक्ति। अब हम बाबा का महावाक्य पढ़ते हैं, जिसमें पता चलेगा हमको कि शक्ति शक्ति बोलते तो हैं हम, बाबा को भी हम डिमांड करते हैं शक्ति मिले, शक्ति मिले, ऐसा, लेकिन ये चीज क्या है। अब सुनिए बाबा की बात, जमा का खाता जो आनंद